मेरा नाम जर्म सिंह, एक्स सर्विस मैन वारंट ऑफिसर रिटायर्ड, गांव लुडेरा पंचायत दिबला। कल 16 तारीख को ग्राम सभा जी दिबला पंचायत में, उसमें ऐसी घटना घटी कि जब हम प्रधान से या वो सचिव से कुछ एजेंडा पूछ रहे थे, तो एजेंडा पूछते पूछते जो प्रधान का पति था पवन कुमार, वो एक औरत थी तकरीबन 65 साल की, उनके साथ वैसा वैसी कर रहे थे। तो उसके बाद में उसने वैसा वैसी करते 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 ज़्यादा ही गर्मा गर्मी होगी उनके साथ में। उसके बाद हमने कुछ मतलब शांत करने के लिए बात की, तो बात करते करते उसने पूछा कि आप लोग कौन होते हैं, आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, आप लोगों का हक नहीं है। तो हमने बोला कि कुछ एजेंडा है, कोई भी है ग्राम सभा में, कुछ भी होता है, तो उसको पब्लिक के साथ सामने मतलब शेयर करो कि क्या है क्या नहीं है, लोगों के क्या काम धंधे हैं क्या नहीं है। तो उसके ऊपर उसने बताया कि आप लोग जो सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन है, 50,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, आप लोगों का कुछ नहीं है इधर में, आप लोग अपने घर में जाओ, इधर से बाहर करो इनको, ऐसी ऐसी उसने स्टेटमेंट दी। तो स्टेटमेंट के बाद वो एकदम गर्म हो गया और उछल उछल करके उसने कुर्सी और मेज उठाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम उठ करके बाहर चले गए, उसके साथ कोई ज़्यादा बात बलाप किया नहीं। तो उसके बाद अंदर में एक घंटे तक वो चिल्लाता रहा। उसके बाद उसने खुद पुलिस को फ़ोन किया, उस टाइम 5 या 6 कोई कांस्टेबल और या ASI वगैरह पुलिस के आए उधर अंदर गुपचुप में। उसने पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट दी, किस किस के मतलब नाम लिखाए, वो भी हमको पता नहीं है। पुलिस आई तो पुलिस ने हमारे को नहीं बुलाया जिसका उसने नाम उसमें लिखवाया। सर, आप अभी SDM साहब से मिले तो उन्होंने आपको क्या बताया? SDM साहब ने बताया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्व करेंगे जो भी है। तो 15 दिन हमने बोला कि ये ग्राम सभा हमारे को मंजूर नहीं है, जो भी इसमें एजेंडे या कुछ भी लिखा है उसने अपने हाथ से लिखा है। तो SDM साहब ने बोला ठीक है, 15 दिन के बाद में दोबारा ग्राम सभा, बस इतना ही SDM साहब ने बताया, बोला ठीक है इसका सॉल्व करेंगे, पक्का करेंगे।